नमस्कार। किसान संगठनों ने राहुल गांधी के सामने तीन बातें रखी हैं। इसके बारे में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने जानकारी दी है। किसान संगठनों ने कहा है कि एमएसपी की लीगल गारंटी होनी चाहिए। भूमि अधिग्रहण कानून में हरियाणा सरकार द्वारा किए गए बदलाव किसान हित में नहीं है। जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी तब भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन किया जाए। किसान संगठनों का मुलाकात बहुत विशेष मायने रखता है। उनके ओर से तीन बहुत बड़े मुद्दे राहुल जी के सामने उन्होंने रखा। एक तो एमएसपी का लीगल गारंटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी निजी ट्रेड की भूमिका बढ़ रही है और वो एमएसपी के जो दाम जिसमें खरीदते हैं वो एमएसपी से कम है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जो भूमि अधिग्रहण कानून यूपीए सरकार के समय में बनाया गया था सितंबर 2013 में, उसमें हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की अनुमति के साथ साथ और राष्ट्रपति की अनुमति मिली है, उन्होंने कुछ संशोधन किए हैं, वो किसान के हित में नहीं है। तो उन्होंने मांग की कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी हरियाणा में, याद रखिए मैंने कहा जब जब सरकार आएगी, मैंने ये नहीं कहा अगर सरकार आएगी, जब हमारी सरकार आएगी तब 24 का ही है जिक्र, जब 2024 में चुनाव जल्दी भी हो सकते हैं वो अब कह नहीं सकते, इसलिए जब अगले चुनाव होंगे और हमारी सरकार बनेगी तब ये भूमि अधिग्रहण कानून में उन्होंने मांग की कि इसमें संशोधन लाना बहुत जरूरी है।